कैसे हैं सभी बच्चे बच्चे देखिए, मेरा नाम है जय और आज आप लोगों को मैं अध्याय पांचवा जो कि जीव विज्ञान का अध्याय है उसका हल कराने आया हूं। और आप सभी लोग यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, घंटी बजाना है भैया, घंटी बिना बजाए नहीं जाना, याद रहिए। देखिए खाद्य, यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत जरूरी जरूरी चीजें दी जाती हैं। खाद्य संसाधनों में सुधार, ये है हमारा अध्याय। देखिए ये सब में देखिए कॉन्सेप्ट नहीं है, फिजिक्स में जैसे कॉन्सेप्ट है वैसे इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, जो है सब रटने वाली चीजें हैं, आपको बस पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कार्यकर्ता मधुमक्खी डैश करती है, बताइए कार्यकर्ता मधुमक्खी क्या करते हैं? तो मोम का स्राव पैदा करते हैं, शहद का संश्लेषण भी करते हैं, और कार्यकर्ता मधुमक्खी बोला जा रहा है यहाँ पे, तापक्रम को भी नियंत्रित करते हैं। भाई तीनों तो करते हैं, ये तो उत्तर डी हो जाएगा, ए बी और सी। कार्यकर्ता मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितने बार निषेचित होते हैं, कितने बार ये बच्चे देते हैं बताइए? तो ये देते हैं एक बार, दो बार, तीन बार। भाई एक बार भी इनका निषेचन तो होता ही नहीं है, मधुमक्खी के बीच में निषेचन होता ही नहीं उनका। उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? उर्वरकों जो हम डालते हैं फर्टिलाइजर्स पौधों में, तो इसका ज्यादा उपयोग क्या करता है भाई? मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। तो ये देखिए जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है, जाहिर सी बात है, आप मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा उर्वरक डालेंगे, कल को बारिश होगी और वो उर्वरक को लेकर के नीचे जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, वहां तक चला जाएगा, उससे पेय जल जो है वो खराब हो जाएगा, जो कि कल गाड़ के पानी निकालते हैं ना वो वाला खराब हो जाएगा, फर्टिलाइजर उसमें चला जाएगा, यानी जल प्रदूषित हुआ इसमें। अगला, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि कृमि कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है मिश्रित फसल उत्पादन। दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में लगाने या उगाने की क्रिया को कहा जाता है अंतर फसल उत्पादन। समझ गए? एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? दलहन फसल में यदि लगाइएगा ना तो देखिए वहां पर नाइट्रेट की पूर्ति होती है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए दलहन फसल में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, जब आप दाल बोएंगे वहां वो जीवाणु खुद ही आ जाएंगे, और वो जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। मतलब ये करते हैं कि भाई पौधों को नाइट्रेट चाहिए, जो कि आप देखिएगा कि नाइट्रेट ले आके उर्वरक डालते हैं ना, उसमें नाइट्रेट ही तो होता है, तो वो नाइट्रेट चाहिए, या तो आप ऊपर से खाद दे और जो भी डालिए मिला के, या तो फिर ये जीवाणु वो काम कर देंगे। एक बार दाल बो देंगे और दाल से जो जीवाणु निकलते हैं नीचे जड़ों में, वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको तोड़ करके नाइट्राइट में बदल देते हैं, और वो मृदा यानी कि मिट्टी में मिल करके नाइट्रेट बन जाता है और पौधे इसी को तो लेते हैं। चलिए, फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? खरपतवार। देखिए पौधों के साथ जो फालतू की जो ये जमते हैं पेड़ पौधे, उनको हम खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार नाशी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14 से कम, 16 से 20 के बीच में, 21 से 25 के बीच में, 25 से अधिक। देखिए 14 से कम होनी चाहिए। पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को क्या कहते हैं? उसको धूमन कहते हैं। इथिलीन डाइबोमाइड, देखिए इथिलीन डाइबोमाइड क्या है, तो ये भी धूमक है। देखिए यहाँ पे पर्ण कृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए ये पशुओं के यकृत को प्रभावित कर देता है। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं कौन सी, बताइए? श्वेत क्रांति। ठीक है, क्या नाम था इनका? नॉर्मन बार्लो। ठीक है, श्वेत ये क्रांति के जनक अपने यहाँ पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है, बताइए किसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है? गेहूं में।
और इससे भी ज्यादा चावल में देखिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। यहाँ पे है नहीं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, बताइए क्या है? जस्ता है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। देखिए जस्ता, इनमें से कौन जोड़ा कार्य मछलियों का है? इनमें से कौन सा जोड़ा कार्य कार्य मछलियों का है? रोहू और गरई, रोहू और कतला, रोहू और मांगुर, रोहू और कवई। देखिए रोहू और कतला जो है ये कार्य मछलियों का जोड़ा है। देखिए यहाँ पे रॉयल जेली किसे कहा जाता है? तो देखिए ये शहद, एक शहद को कहते हैं जिसे रानी मक्खी खाती है, समझ गए? आपकी किताब में इनमें से किसका सबसे बड़ा आकार है? रानी मक्खी का, श्रमिक मक्खी का, ड्रोन का, या सभी समान आकार की मक्खियों का? ठीक है, ई होगा रानी मक्खी का। सभी मछली यानी ट्रू फिश में निम्न में कौन गुण प्रमुख पहचान है? देखिए बहुत सारे मछली जैसे स्टार फिश, सी हॉर्स, बहुत सारे मछली मछली के नाम से जानते तो हैं, परंतु वो मछली नहीं होती है। मछली में एक गुण ऐसा है जो कि यदि पाई जाएगी उन सभी में, उन सबको मछली कहेंगे। देखिए कौन सा गुण होता है? वो है कि ग्रसनी में गलफड़ा और जोड़े में पंख, ये दोनों होना चाहिए। यदि ये दोनों है तो वो मछली है, या नहीं है तो वो मछली नहीं है। भारत में निम्न विकल्पों में कौन विकल्प मछली संवर्धन में उपयोगी है? बताइए मछलियों के संवर्धन में कौन सा उपयोगी है? तो ये देखिए रोहू भी है, कतला भी है, कालवासु भी है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। रानी मधुमक्खी निम्न कार्यों में कौन कार्य नहीं करती है? शहद बनाने का काम बिल्कुल नहीं करती, ये तो और खाती है या पी जाती है, समझ गए? मधुमक्खी के छत्ते में किस आकार के घर पाए जाते हैं? बताइए षटकोणीय, त्रिकोणीय, बहुकोणीय, चौकोणीय, षटकोणीय, इस तरीके का इनका होता है। निम्न विकल्पों में कौन शहद का गुण नहीं है? बताइए एंटीसेप्टिक का काम करता है क्या? नहीं करता है, लेकिन हमारा आंसू एंटीसेप्टिक का काम करता है। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या? ऐसा होता है क्या खाने के पास रख देंगे या खाने को इसमें तो ये खराब नहीं होगा? ऐसा भी नहीं। तीसरा, रानी मधुमक्खी के आहार नल में संश्लेषण करने का काम ये करता है। पोम्फ्रेट है, क्या है भाई? तो ये एक समुद्री मछली शहद का निर्माण करती है। कौन सा? रानी मधुमक्खी, बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी का मधुमक्खियां करती है। नर मधुमक्खी या ड्रोन जो होते हैं ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और जब ये और ये नहीं करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। वृक्षांश की अधिकता होती है अनाज में, घास भूसा और चारे में, खनिज पदार्थों में, कि अंडों में? देखिए इसका उत्तर सी हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। नेपियर एक प्रकार है, कैसा प्रकार है भाई? अनाज का कि बैक्टीरिया का कि भेड़ की नस्ल का या हरा चारा का? हरा चारा का नेपियर है एक प्रकार। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से, भाई सिंपल है, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य इकट्ठा करना कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? वीर्य संचयन कहलाता है। ब्लैक माइनोर का एक नस्ल है, ब्लैक माइनोर का एक नस्ल है, किसकी है भाई? तो मुर्गियों की। ब्लैक माइनोर का एक नस्ल है मुर्गियों की। इनमें से कौन पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है? रोग मुक्त नस्ल का विकास, अधिक उत्पादक नस्ल का विकास, ये भी उद्देश्य है, ये भी है। कम समय में परिपक्व होने वाले फसल का विकास, ये भी है। और डी देखिए यहाँ नहीं है कि बात कर रहा है, यानी लंबे और झाड़ीदारी पौधों का विकास क्यों करेंगे फालतू में बेकार पौधों का? उत्तर डी हो जाएगा। इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? देखिए एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग हमारे यहाँ पे श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक है, लेकिन भारत में नहीं, विदेश में। फल सब्जियों और फलों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है?
फल सब्जियां और फलों के विकास का अध्ययन कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, ये फूलों का अध्ययन, समझ गए। जून में अक्टूबर तक लगाए जाने वाले, जून से अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं बताइए भाई। ये बारिश की बात करी जा रही है ना, और बारिश में खरीफ फसल लगाया जाता है, जैसे चावल है ना, गन्ना, ये सभी। अक्टूबर से मार्च तक लगाए जाने वाले फसल को रबी कहते हैं। किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादक प्रजनन कराने की क्रिया को कहा जाता है पादप संक्रमण। यही तो उत्तर भी हो जाएगा। 37, पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है बताइए। जल के द्वारा, मृदा के द्वारा। भाई मृदा के द्वारा अपने पोषक तत्वों को वो पाते हैं, वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं, वैसे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कौन सा, उनको सूक्ष्म पोषक कहते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है तो प्राकृतिक उर्वरक का और रासायनिक उर्वरक, देखिए दोनों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब सरकार ध्यान दे रही है कि प्राकृतिक उर्वरक का, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे नीचे का भूमिगत जल को भी खराब करता है और मिट्टी को भी खराब करता है। जहर की ग्रंथि किस मधुमक्खी में पाई जाती है, याद रखिएगा कार्यकर्ता मधुमक्खी में ही ये पाई जाती है। तो बच्चे आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं, आप सभी लोगों ने देखा कि हमने कैसे इसका हल किया, और ये आपका जीव विज्ञान का पूरा अध्याय खत्म हो गया। और आप सभी अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटा बदले में बजा के जाइएगा, ठीक है, बिना उसके बजाय काम ना चलेगा।